नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में जी आपको बता दें कि हम इस खास प्रोग्राम में आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो ट्रेंड में हैं और जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच कल फाइनल मुकाबला खेला जाना है एशिया कप दो में एशिया कप बादशाह कौन बनेगा इसका फैसला कल रात तक हो जाएगा बड़ी बात यह है कि बीती शाम पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश के हौसले बुलंद हैं लेकिन ये खिलाड़ी हमेशा ऐसी हरकत कर देते हैं जो वाकई में शर्मनाक हो जाती है बांग्लादेश के खिलाड़ी जुझारू हैं परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं और बेहतरीन क्रिकेट भी खेलते हैं लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहां पर ये खिलाड़ी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं मैच जीतने के बाद जो क्रिकेट की मर्यादा को भंग करता है जी हाँ आपको बता दें कि वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम्स कहा जाता है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने नागिन डांस किया नागिन डांस करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन खिलाड़ियों को चिढ़ाकर इस तरह से चीजें करना ये क्रिकेट के खिलाफ है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सानिया मिर्जा ने भी काफ़ी कुछ कहा है भारत की क्या तैयारी है इस एशिया कप के फाइनल को लेकर यह भी हम आपको बताएंगे आपको बता दें कि बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने कहा है कि उनकी टीम भारत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनकी टीम में वो कॉन्फिडेंस है कि वो भारत को हरा सकते हैं हो सकता है कि भारतीय टीम एक बदला और ले महेंद्र सिंह धोनी का अपमान आपको याद होगा साल 2014 में जब भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रही थी उस दौरान तस्कीम अहमद की एक तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी की वायरल हुई थी जहां पर वो महेंद्र सिंह धोनी का एक सिर लेकर घूम रहे थे इस तस्वीर ने बहुत ज़्यादा बवाल मचा ली मचा दिया था जिसका जवाब महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल मैच में छक्का जड़ कर दिया और बांग्लादेश की उम्मीदों को पानी फेर दिया उससे पहले भी इन दोनों देशों की राइवलरी देखी जा चुकी है साल 2007 का विश्व कप का वो पहला मुकाबला जब बांग्लादेश टीम ने भारत को हराया था और भारत पहले ही दौर से बाहर हो गया था वो दिन शायद भारतीय क्रिकेट के सबसे काले दिनों में से एक शुमार किया जाता है उसके बाद भारत ने बांग्लादेश को कई मौकों पर हराया लेकिन बांग्लादेश ने भी भारत पर पलटवार करने की कोई कमी कसर नहीं छोड़ी अब एक बार फिर मौका है और ये टीम अब थोड़ी सी बदली हुई है पहले बांग्लादेश को अंडरडॉग कहा जाता था अब बांग्लादेश एक कड़ी टीम बन चुकी है यह टीम साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है ये टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है ये टीम न्यूजीलैंड को हरा चुकी है यह टीम पाकिस्तान को हरा कर आई है ये टीम इंडिया को भी हरा चुकी है ऐसे में भारत को काफ़ी संभल कर रहना पड़ेगा यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ अगर आपने एक गलती की या और कॉन्फिडेंट हुए तो यहाँ पर आपको भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है फिलहाल अगर भारत इस एशिया कप के फाइनल को जीता है तो सातवीं बार चैंपियन बनेगा टीम इंडिया के बल्लेबाज भी पूरी तरह से लय में हैं गेंदबाज लय में हैं लेकिन बांग्लादेश को भी अब समझना पड़ेगा कि भारतीय टीम को आप किस तरह से हरा सकते हैं भारतीय टीम ना तो अफगानिस्तान है ना ही पाकिस्तान है यहाँ पर आपका नागिननास आपको कितना भारी पड़ेगा ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा बड़ी बात यह है कि यहां पर भारतीय टीम की तैयारियां क्या है यह भी हम आपको बताएंगे और जिस तरह से माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं एक दूसरे पर पलटवार शुरू हो गया है ये भी हम आपको बताएंगे तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर आप देख लीजिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज एशिया कप 2018 का खिताबी मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 सितंबर को खेला जाएगा फैंस को उम्मीद थी कि सुपर चार के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान के जीतने पर एक बार फिर भारत पाक के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिरते हुए बांग्लादेश ने सैतीस रनों से जीत दर्ज की रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी है दोनों के बीच अब तक कुल चौतीस मुकाबले खेले गए हैं जिसमें अट्ठाईस भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है जबकि पांच बांग्लादेश के नाम रहे हैं जबकि एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ बावजूद इसके भारतीय टीम विपक्षी को हल्के में नहीं लेगी क्योंकि यही वो टीम है जिसने साल 2007 विश्व कप में उसे हरा दिया था यह हार भारत के टूर्नामेंट से बाहर होने में बड़ी वजह बनी थी इसके अलावा कई और मौके भी आए जब भारतीय टीम हारते-हारते बची इसलिए भी रोहित शर्मा की टीम पूरी तैयारी से खिताब मुकाबले में उतरेगी भारतीय टीम 2003 में ऑस्ट्रेलियाई टीम से हारकर उपविजेता रही थी और 2007 में खिताब जीतने के इरादे से उतरी थी राहुल द्रविड की कप्तानी में भारतीय टीम काफी मजबूत दिख रही थी लेकिन उसे टूर्नामेंट में अपने पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा यह चौंकाने वाली हार उसे बांग्लादेश से मिली थी मैच में राहुल द्रविड ने टॉस जीत पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था मुशरफ मुर्तजा ने चार जबकि अब्दुल रजाक और मोहम्मद रफीक ने तीन तीन विकेट चटकते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर ला दिया था पूरी टीम उनचास दशमलव तीन ओवरों में सिर्फ एक रनों पर ऑल आउट हो गई। गांगुली के 66 और युवराज सिंह के 47 रन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका था जवाब में बांग्लादेश ने तमीम इक, इकबाल के 51 और मुश्फिकुर रहीम के नाबाद 56 रनों की बदौलत इस मैच को जीत लिया और भारत को एकतरफा शिकस्त दी उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तगड़ी राइवलरी चलती हुई नजर आती है एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने वाली बांग्लादेश की टीम ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल दिखाया खराब शुरुआत के बाद भी बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के सामने 240 रनों का लक्ष्य रख दिया और फिर उनको 202 रनों पर रोक कर सैंतीस रन से मुकाबला अपने नाम किया पाकिस्तान को हराने के बाद लगातार दूसरे जबकि अपने तीसरे एशिया कप फाइनल में बांग्लादेश की टीम का सामना भारतीय टीम से होगा इस जीत के बाद बांग्लादेश की टीम के कप्तान मशरफे मुर्तजा ने फाइनल से पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए बांग्लादेशी कप्तान मशरफे मुर्तजा ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद टीम को मिले आत्मविश्वास पर भरोसा जताया उनका कहना है कि भारतीय टीम के खिलाफ जब बांग्लादेशी शुक्रवार को एशिया कप फाइनल में उतरेंगे तो अपना सर्वश्रेष्ठ मैदान पर छोक देंगे कप्तान ने माना कि अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और ओपनर तमीम इकबाल की टीम में न होने से भारत के खिलाफ फर्क पड़ेगा मुर्तजा ने कहा कि हमें पता है कि भारत की टीम काफी मजबूत है शाकिब और तमीम इस वक्त टीम में नहीं है लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है हमारी टीम फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएगी बांग्लादेश की टीम तीसरी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है सबसे पहले टीम ने साल 2012 में एशिया कप का फाइनल खेला था टी फॉर्मेट में खेले गए पिछले एशिया कप में भी भारत फाइनल तक पहुंची थी और बांग्लादेश को भारत नहीं हराया था 2012 में पाकिस्तान जबकि 2016 में भारत ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था एशिया कप 2018 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और कल यानी कि शुक्रवार को भारत और बांग्लादेश की टीम फाइनल में एशिया की बादशाह बनने की जंग लड़ेगी वहीं आपको बता दें कि फाइनल मैच से पहले माहौल काफी गर्म है जी हाँ खबरों की माने तो फाइनल मैच से ठीक पहले बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मोरतजा ने टीम इंडिया को लेकर ऐसा बयान दिया है जो भारतीय फैंस और टीम इंडिया को शायद रास न आए दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को सुपर चार के आखिरी मुकाबले में हरा कर बांग्लादेश ने फाइनल का टिकट पक्का किया जिसके बाद मशरफ मुर्तजा ने एक मिनट भी नहीं लगाया कहने से कि वो भारतीय टीम के खिलाफ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को फाइनल में जीतने नहीं देंगे मुर्तजा ने कहा कि उनकी टीम बहुत टैलेंटेड है और उनकी टीम शानदार फॉर्म में है ऐसे में भारत को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी ऐसे में मुर्तजा का यह बयान क्या टीम इंडिया को रास आता है या फिर रोहित शर्मा यही सोचेंगे कि इस बयान को पॉजिटिव लिया जाए ताकि मैच में ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया जाए अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में कौन एशिया कप को उठाता है एशिया कप 2018 के फाइनल मुकाबले में शुक्रवार को भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे ऐसे में फाइनल मैच से पहले मोजुबानी जंग बांग्लादेश की तरफ से कई बार देखने को मिल चुकी है जहां मशरफ मुर्तजा ये कह चुके हैं कि वो भारत को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वहीं कई खिलाड़ियों का यह कहना है कि भारतीय टीम पर वो भारी पड़ेंगे ऐसे में इन सभी को जवाब दिया है टीम इंडिया के गब्बर यानी कि शिखर धवन जी हाँ खबरों की माने तो फाइनल मैच से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिखर धवन ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे धवन ने भी कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ वो अपना रिकॉर्ड और ज्यादा सुधारेंगे और वो उसी लय में बल्लेबाजी करेंगे जिस लय में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की थी वह अगर जिस हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ गब्बर का बल्ला चला था अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ भी गरजा तो यहां पर दिक्कत बांग्लादेश को हो सकती है देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मैच में एशिया का बादशाह कौन बनता है एशिया कप 2018 का फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में कल यानी कि शुक्रवार को खेला जाना है बड़ी बात यह है कि इस मैच से ठीक पहले सानिया मिर्जा का एक बड़ा बयान आया है जी हाँ खबरों की माने तो यहां पर सानिया मिर्जा ने कहा है कि भारतीय टीम बांग्लादेश को फाइनल में हर हाल में हराएगी आपको बता दें कि सुपर चार के महा मुकाबले में बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तान को बीती रात हराया जिसके बाद बांग्लादेश सीधा फाइनल में पहुंचा यही नहीं बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराने के बाद एक शर्नाक हरकत भी की मैदान में बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मैदान पर नागिन डांस किया और यहाँ पर साफ देखा जा सकता था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाया जा रहा है खैर अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की बेजती का क्या टीम इंडिया बदला ले पाती है तो देखा आपने हमने आज आपको ट्रेंडिंग खबरों से फिर रूबरू कराया कल आपसे फिर मुलाकात होगी कल शाम तक आप पूरी अपडेट्स नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं एशिया कप के फाइनल की सारी खबरें हम आप तक तो जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अगर आप किसी फेवरेट स्टार या स्पोर्ट्स स्टार की खबर देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए वादा है अभिलाष का कि आप तक वो खबर हम जरूर पहुंचाएंगे लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नमस्कार